अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करूंगी आपसे। यहाँ मैंने ऑयल में थोड़ा सा गार्लिक और जीरे का पेस्ट मैंने फ्राई कर लिया और इसमें मैंने टमाटो प्यूरी मैंने ऐड कर दी। इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है और इसमें आपने जो भी स्पाइसेस हैं अपनी मर्ज़ी से जो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है, कोटी मिर्च ऐड किया है, इसको भून लेना है ऐसे। और उसके बाद आपने साथ ही मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया। फिर मैंने इसको इतना हिलाया, बहुत मुझे बहुत आदत है ऐसे चम्मच हिलाने की। और मैं सॉस रेडी कर रही थी मैक्रोनी की, केचप मैंने ऐड कर दी। इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी, सोया सॉस, चिली सॉस, और अगर आपके पास कोई भी और सॉसेस है वो भी ऐड कर सकते हैं। सॉस ऐड करने की वो वीडियो स्किप हो गई मेरे से, करते हुए मैंने वीडियो बनाई ही नहीं। मैंने थाइम और ओरिगैनो ऐड कर दिया और मेरे पास हॉट एंड सोर का जो मैक्रोनी में स्पाइस होता है उसका तो पैकेट होता है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसका ना वो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, हॉट एंड सोर और मीट बॉल का, इनका फ्लेवर बहुत मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर में पानी मिक्स करके वो इसमें ऐड कर दिया, ज़रा जूसी जूसी से बनता है ना। मैंने वेजेस ऐड कर दी इसमें, मुझे वेजेस बहुत पसंद है, फ्राइड राइस हो गए और मैक्रोनी हो गए, मैं वेजेस बहुत ज़्यादा डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है और अच्छी भी लगती हैं। और मैंने यहाँ पे इनको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं किया, मैंने इसके बाद इसको थोड़ा सा ही फ्राई करने के बाद मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी। इसको मैंने बस जस्ट आपने थोड़ा सा ही इसको घुमाना है, ज़्यादा नहीं करना वरना ये मैक्रोनी टूट जाते हैं। फिर थोड़ा सा करके फिर मैंने इसको डिश आउट कर दिया। जो जो डिशेस मैं ट्राई करती हूँ वो मैं साथ साथ अपलोड करती रहती हूँ यूट्यूब पे। अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।